हाई अमेजिंग पीपल आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली मैं डिस्कस करूँगा कि जो स्टूडेंट का जो वीज़ा है वो काफ़ी आज के टाइम में रिजेक्शन हो रहा है उसका तो उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं एंड आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए ताकि ये जो वीज़ा का रिजेक्शन है उसको आप अवॉयड कर सको तो हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी को चूज़ करते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टूडेंट कॉलेज करना चाहते हैं कोई बैचलर डिग्री कोई मास्टर डिग्री कोई लैंग्वेज का कोर्स करना चाहता है तो जब भी स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि या तो उनका वीज़ा आज के टाइम में डिले हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमें कॉल करते हैं मैसेज करते हैं एंड वो हमें एक्सप्लेन करते हैं अपनी सिचुएशन की हमने वीज़ा तीन महीने से अप्लाई किया हुआ हमें अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं मिला कोई आउटकम नहीं आया हमने बहुत मैसेजेस किए एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो वो सब जानने की कोशिश करते हैं हमसे कि क्या गलती हुई हमसे हमने क्या किया तो हम उनको ओवर द कॉल मैसेज के थ्रू समझाते हैं एंड उसको उनको जब हम बताते हैं तो उसके बाद उनको पता चल जाता है कि उन्होंने क्या क्या गलती की है सो so, यह yeah, आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप सभी को जो भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट इस टाइम जर्मनी पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं आपके वीज़ा के डिले के या रिजेक्शन के एंड कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड हम जर्मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंसड हैं अगर आपको जर्मनी का 100% परसेंट स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए बिकॉज हम भी अपने स्टूडेंट्स को जर्मनी में भेजते रहते हैं और उनका वीज़ा लगाते हैं तो हमारे बच्चों का जो वीज़ा है वो 100% परसेंट गारंटी डाता है बिकॉज हमें पता होता है कि एक्जैक्टली exactly क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कैसे प्रपरेशन करनी है तो यह हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाने के लिए इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में एडमिशन भी लेना है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो हम एडमिशन भी कराते हैं जर्मनी में ताकि आपके जो भी फ्यूचर गोल्स हैं उनको पूरा कर सको इसके अलावा अगर आपको जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए विजिटर वीज़ा चाहिए एंड इवन जॉब सीकर वीज़ा चाहिए स्पाउस वीज़ा चाहिए तो वो ये सारे वीज़ा भी अप्लाई अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सारे सोल्यूशनस हैं एंड इसके अलावा हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया में सिखा रहे हैं ताकि अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आप ये लैंग्वेज सीख लेते हो तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है तो यह हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं जस्ट आपको मैं एक बार कॉन्टैक्ट करना हमसे मिलना देन उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी एंड जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे कर सकते हैं एंड इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में बिल्कुल नए हो पहली बार देख सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना उससे आपको डेली जो की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा डिले हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है तो उसके क्या क्या मेन रीजन्स हो सकते हैं तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है ओवर कॉन्फिडेंस हमारे बाद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो बहुत ही आसान है उसको लेना उसको पाने के लिए उनको कोई भी प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो होता क्या है कि जब भी फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट होता है जिसकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट है जिस दिन वो जाते हैं तो जब वो फाइनली जब रीच करते हैं एम्बेसी में जब वो फेस टू फेस वीज़ा ऑफ़िसर से बात करते हैं एंड वीज़ा ऑफिसर जब उनसे कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेता है जिसका वो इम फ्राम टू आंसर देते हैं यानी कि बिना तैयारी के कुछ भी आंसर दे देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को उसी टाइम उनके जो इंटेंशंस होते हैं जर्मनी में जाने के उस पर कह सकते हो कि सस्पेक्ट होता है डाउट होता है कि क्या वाक्य में इनके जो जो रीजंस हैं इन्होंने दिए हैं जाने के लिए स्टडी के लिए क्या वो अच्छा वो बिल्कुल वैलिड इनके जेन्यून इंटेंशंस हैं या नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर उसी टाइम माइंड मेकअप करके अपने डिसीजन सोच लेते हैं कि उनको क्या डिसीजन आपको देना है यानी कि रिजेक्शन क्यों करना है बिकॉज उनके विश्वास हो जाता है कि आप जर्मनी आ रहे हो तो आपका स्टडी का को कोई गोल नहीं है आपको सिर्फ वहाँ पर जाना है वहाँ पर आपको कुछ भी कह सकते हो कि बाय हुक बाय आपको स्टे करना है वहाँ पर तो आपके जो गोल्स होते हैं वो जो इंटेंशनस होते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो पाता कि वो जैन है कि आप स्टडी पर्पज़ से जर्मनी आना चाहते हो तो जिसकी वजह से यानी कि आपकी बिल्कुल ना प्रपेशन ना होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आपका ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो या ये ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रीज़न है वीज़ा रिजेक्शन का या वीज़ा डिले का तो इसका ध्यान रखना एंड और अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट मेन रीज़न आपके वीज़ा डिले और वीज़ा रिजेक्शन का और वो है आपका किसी भी गलत एजेंट को चूज़ करना अपने वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये प्लान करते हैं कि उनको कुछ एजेंट को हायर करना चाहिए जो उनकी हेल्प कर सके जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा दिलाने के लिए बट प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब जिसको भी आप हायर करते हो उसको ख़ुद भी ये नहीं पता होता कि जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इसके अलावा आपके जो एजेंट होते उनको ये भी नहीं पता होता कि जर्मन एम्बेसी की तरफ से जर्मनी की सरकार से की तरफ से कौन कौन सी नई अपडेट्स आ रही हैं जो आपको ध्यान रखनी है यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं एंड इसके अलावा जो एजेंट होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि अगर आपका स्टूडेंट है जिसका आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट उसको मॉक टेस्ट की तैयारी की जाए जो वीज़ा का इंटरव्यू होता है ताकि जो स्टूडेंट है उसको ही पता चल सके एग्जैक्टली exactly क्या सर्कमस्टांस क्या सिचुएशन उनके सामने हो सकती है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ओवरऑल ये भी एक रीज़न होता है कि अगर आप किसी गलत एजेंट को चूज़ कर लेते हो अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए तो ये भी एक रीज़न होता है कि उसको खुद भी नहीं पता होता आपको भी नहीं पता होता तो ऑब्वियसली जो आपका पूरी प्लानिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड आप अच्छे से कह सकते हो कि ना तो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर पाते हो ना आपको कोई अपडेट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है एंड इवन आपकी पूरी तरह से मॉक टेस्ट की प्रेपरेशन ही होती है आपकी वीज़ा इंटरव्यू की तो कहीं ना कहीं जैसे आप जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है एंड आपको मोरल डाउन होता है एंड आपको कुछ पता नहीं चलता तो भी ये भी एक रीज़न होता है कि आपका गलत एजेंट को चुनना भी कहीं ना कहीं आपका वीज़ा रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न है तो या अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये दो मेन रीजंस होते हैं इसके अलावा भी होते हैं बट मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रेस इन दो रीजंस पे किया बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े मेन फैक्टर्स होते हैं आपकी गलती के तो या इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस का आपको ध्यान रखना है और गलत एजेंट जो आप चूज़ करते हो ये आपके मेन रीज़न्स हैं आपके वीज़ा रिजेक्शन के वीज़ा डिले के तो इसका ध्यान रखना एंड नाउ अब मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्शन बचाना है आपको डिले से बचना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना अगर वो आप फॉलो करोगे तो हंड्रेड परसेंट आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा तो जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि जब भी आपका जो वीज़ा इंटरव्यू की डेट होती है उससे पहले आपको ये मेक श्योर sure करना है कि आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट वीजा के लिए वो सारे आप उसको अच्छे से अरेंज कर लो और ये ध्यान रखना है कि आपको एक सेट ओरिजिनल पूरा का पूरा रखना है एंड टू आइडेंटिकल कॉपी रखनी है फोटो कापीज की तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए बहुत टाइम बच्चे सोचते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो छोड़ देते हैं ये होगा तो उसको रख लेते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा की जो चेकलिस्ट होती है उसमें दिए होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको सारे के सारे की पूरी की पूरी तरीके से आपको रेडी रखने तैयार चीज तो का इंटरव्यू बहुत हो आसान होगा हम पास कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट करना पड़ेगा जो वीजा इंटरव्यू होता है उसका क्या वीजा ऑफिसर कौन से सवाल आपसे पूछ सकता है क्या उस टाइम सिचुएशन होती है तो यह आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मॉक टेस्ट आप दीजिए ताकि आपको वो जो इन्वायरमेंट आपके सामने आने वाला है जो उस टाइम जो सेकंड स्टांसिस होगी सिचुएशन होगी तो आप उसको कैसे कोप अप कर सकते हो क्या क्या सवाल पूछे जा है सकते हैं आपको क्या क्या आंसर देना है कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए किन किन कह सकते हो तो कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीज़े? सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी किस तरह से आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है आपका इंटरव्यू के टाइम पर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो या अब आप, आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर उसकी तैयारी करें वीज़ा इंटरव्यू की ताकि आपसे कोई उस टाइम गलती ना हो एंड नाउ जो लास्ट चीज जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में जर्मन एम्बेसी की तरफ से ना बहुत सा बहुत ज़्यादा क्या तो कि अप, अपडेट्स आती रहती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें चेंज करते रहते हैं बहुत सारे नए नए डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं तो होता है कि अगर आप वो अपडेट्स फॉलो नहीं करते एंड आपका आज आपकी डेट है कल ही कोई नई अपडेट आई है अगर वो मिस कर देते हो आप चले जाते हो तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आप फेस टू फेस बात करते हो तो वीज़ा ऑफिसर आपसे बोलता है कि हमें वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए था आप, आपको लगता है कि वो तो मुझे पता नहीं था तो कहने कहने का मतलब यह है कि जो अपडेट्स आती हैं जो जर्मन की एम्बेसी है ये उसकी जिम्मेदारी है ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपडेट दिए तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा आपको वो डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा अगर आप नहीं दोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो फिर आपका वी, अगेन वीज़ा आपका डिले होगा तो उससे आपका ही नुकसान होगा तो या ये तीन मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका ना तो वीज़ा रिजेक्ट होगा ना फिर आपका वीज़ा डिले होगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है नाउ फाइनली आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको समझ में आ गया है कि क्या रीज़न्स हैं आपके वीज़ा रिजेक्शन के एंड कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो तो आपको अब यही फॉलो करना है एंड जैसा कि मैंने हमेशा बोला कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है जर्मनी को लेकर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हर साल भेजते हैं जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट को लेने के लिए बैचलर डिग्री के लिए मास्टर डिग्री के लिए लैंग्वेज कोर्सेज के लिए तो या अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक हो या प्राइवेट हो या लैंग्वेज स्कूल में आपको लेना है तो हम बेस्ट प्रोफेशनल है हम आपके एडमिशन कराएंगे जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपके बजट के अंदर एंड आपको 100% जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा गारंटीड आपको दिलाएंगे बिकॉज हम ये वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं हमें पता होता है कि वीज़ा कैसे मिलता है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस रहे तो या हम सारी चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है हमसे मिलना है देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसके अलावा हम जर्मनी के और भी वीज़े अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा इस्पाउस वीजे पर अप्लाई करते हैं जॉब सी के वीज़े भी अप्लाई करते हैं एंड इवन हम इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं तो हमारे पास सारे सोल्यूशनस होते हैं जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है देन वी विल हेल्प यू है मेक यू लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी उसके बाद जो भी आपके गोल्स होते हैं वो आप पूरे कर सकते हैं तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकिन बटन को प्रेस जरूर करना उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी जर्मनी की वीडियोज देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप उनसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। सारे लिंक्स हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए तो प्लीज चेक कर लेना सो एज ऑलवेज थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का बेस्ट इफ लक एंड प्लीज टेक केयर योर